पीलीभीत जिले में पूरनपुर क्षेत्र के रूदपुर सरकारी स्कूल में शिक्षा मित्र रघुनंदन प्रसाद ने एक विद्यार्थी जिशान को लात घूसों और थप्पड़ों से जमकर पीटा। रूदपुर जूनियर हाई स्कूल में बच्चा पढ़ता है। सुबह 11 बजे स्कूल के ही शिक्षा मित्र रघुनंदन प्रसाद ने विद्यार्थी की बुरी तरह से मार लगा दी, जिससे उसके नाक में खून निकलने लगा और बेहोश हो गया। विद्यार्थी के पिता गुलजार शाह ने थाना प्रभारी निरीक्षक पूरनपुर को तहरीर देकर शिकायत की। शिक्षा मित्र रघुनंदन पर प्रसाद पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। बच्चों को स्कूल में न पीटने वाले आदेश के आने के बावजूद भी बच्चों की पिटाई के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। टीचर ने बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वहीं बच्चे के नाक से खून निकलने लगा। बच्चे के परिजनों ने उसका उपचार कराने के बाद अध्यापक के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुलजार साबिर, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? हमारा बच्चा स्कूल गया था पढ़ने के लिए, वहाँ पर किसी बच्चे ने मास्टर से शिकायत कर दिया कि हमारे साथ किसी गलती जीशान ने करी है, तो मास्टर साहब ने पूछताछ कुछ नहीं करी आके बच्चे से मारने लगा के, तो मुँह पर थप्पड़ मारे, एक घूसे भी मार दिए पीछे पीछ के, बच्चे दौरा पड़ के बच्चा हो गया बेहोश, वहाँ नाक से खून इतना बहा कि पूरी पैंट उसकी रंगी हुई थी। तो एक बच्चे घर पर बताने लिया, लेकिन दोनों बच्चों ने स्कूल में बैठा दिया कि कोई हिसाब से पता नहीं लग पाए कि इनके घर पर शिकायत पहुँचे कि बच्चे की इस तरीके से पिटाई हुई। तो बाद में जब बच्चे आया हमारे पास 2 घंटे बाद, तो उनने उसका पूरा मुंह धो दिया था, धोने के बाद में पैंट भी पूरी समेट गई। उसके बाद शिकायत करने के थोड़ी उनने अपनी बात भी करी, उसके बाद में प्रधान जी के यहाँ बुलवाया गया, तो भी ये कह रहे हैं कि हमने मारा, हाथ मारा है, लेकिन तो आपने यहाँ पूर्व कोतवाली में इसकी शिकायत की है? हाँ, शिकायत करी है, मैं तहरीर रखी है, कोतवाली में है। कौन से गांव के रहने वाले हैं?